भैया गाड़ी बात करने तो हाँ ठीक है बाबू। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू अदर ब्लॉग वीडियो में। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों को एक बहुत ही अलग सी मैं बात बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज तक मीटअप तो बहुत सारे देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा मीटअप देखे होंगे, पर इन दो लोगों के मीटअप ना भाई साहब तबाही मचा रहे हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये दो लोग कौन हैं और उनके मीटअप कैसे होते हैं। उनके मीटअप लाखों में पब्लिक आती है और उनके मीटअप ही इतने खतरनाक होते हैं। तो भाई साहब वो लोग कितने हैवी होंगे और कितना इनकी फैन फॉलोइंग होगी, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलो लेट्स गो, वीडियो शुरू करते हैं। भाई इसको बोलते फैन। बाबू भैया ले लो हटो पाँव हट जा। भैया अरे उसको निकलने दो, गाड़ी को पहले फंसा दिया। मीटअप पे हो गया लाठी चार्ज भाई, फुल डंडे वंडे दे रही है पुलिस वाले, डंडे दे रहे हैं देख सकते हो आप। गाड़ी एक और आगे भाई, एक और ठीक है, गेट में डाल देना, फिर 100 दिख जाए ना तो फिर कर देना है ना भाई साहब। पब्लिक चेक करो यहाँ पे कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है और रोडो वोडो पे चढ़ रखे और आगे आगे तक भीड़ है। सामने पुलिस वाले भी है, लाठी ले रखे जो, और भाई यहाँ पे देखो पुलिस वाले आ रहे हैं, लाठी चार्ज करेंगे, डंडा लेके आ रहे हैं, अभी दिखाते भाई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है और मेन रोड पे है ना, तो इस वजह से भाई वहाँ चेक करो, भाई वहाँ चेक करो। अपनी मस्टैंग और पुलिस वाले भाई फुल लट दे रहे, स्टेप लिया भाई मस्टैंग। बाबू भैया गाड़ी का नाम है लूसी। फेमस हो गया बस। लाठी चार्ज हो गया भाई साहब। देखे और मीटअप की शुरुआत कुछ इस प्रकार है, क्योंकि अभी ये लोग गए थे जयपुर, जयपुर में इन लोगों ने अनुराग डोवाल एंड एलविस यादव ने जो मीटअप करे हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे, मतलब वो लोग मीटअप की लोकेशन तक भी नहीं पहुंच पाए और इतनी ज्यादा पब्लिक आ गई थी कि उन्हें रोड ब्लॉक कर दिया। और वहां पर इतनी सारी पुलिस बुलाने के बाद भी आप लोगों ने देखे होंगे पूरे मीटअप, क्योंकि जिस बंदे ने मीटअप का रिकॉर्डिंग किया है ना भाई साहब, वो बंदा भी मतलब भीड़ में इतना कुछ हो गया, लाठी चार्ज हो गई, सब कुछ हुआ। बट एक चीज़ है इन लोगों के मीटअप में, कि इन लोगों के मीटअप में पब्लिक बहुत आती है। अब हालांकि मतलब सब लोगों को पता है, बट इन लोगों के मीटअप अब होना ना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि इनके मीटअप कोई भी ऑर्गेनाइज भी करेगा ना तो वो भी पहले इन लोगों की पुरानी वीडियो देखेगा, वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इनके मीटअप होना चाहिए। और तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रॉपर बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता लगे कि इनकी फैन फॉलोइंग कितनी है और इनकी बाइक कलेक्शन कितना है, कार कलेक्शन कितना है, ये सब टोटल ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को हर चीज़ के नॉलेज चाहिए रहेगी। क्योंकि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जो कि मैं ब्लॉगिंग का बनाता हूँ, बट स्टार्टिंग में मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इस चक्कर में मुझे ऐसी कोई वीडियोज़ बनाना पड़ रही हैं और उसी चक्कर में मैं ये सब करना पड़ रहा है। बाकी हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई हर किसी की तमन्ना होगी कि इन्हीं लोगों की तरह उसकी फ़ैन फॉलोइंग हो। हालांकि सौरभ जोशी है, सौरभ जोशी ब्लॉग है, उनकी भी इतनी खतरनाक फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी इन लोगों की है, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो कुछ इतना सब्सक्राइबर बेस भी नहीं है जितना सौरभ जोशी का बेस है। जैसे सौरभ जोशी का 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनके 4-5 मिलियन शायद सब्सक्राइबर हैं, अभी रिसेंट में 6 मिलियन होने वाले हैं, कुछ ही महीनों एक आध महीने में 6 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे अनुरोध डोवाल प्लस द EQ07 राइडर के। और रेलवे से यादव के एक चैनल पर 9.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और एक ब्लॉग चैनल है उस पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो कि वो लोग तबाही मचा रखी है इन लोगों ने, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ये लोग वीडियोज़ भी बना रहे हैं। और भाई इन लोगों की फैन फॉलोइंग तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि इन लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत खतरनाक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।